दोस्तों 6 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के सेशन में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बनेगा। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी जयपुर और फोर्थ ऑप्शन है मुंबई। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में भी साथ में देते चलें। तो जैसा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी जयपुर। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनने वाला है। जैसा कि अहमदाबाद के मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के बाद यह तीसरा नंबर का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। वहीं इसके हम नाम की बात करें तो इसका नाम होगा RCA स्टेडियम और यह कुल 100 एकड़ में बनेगा। इसकी लागत करीब 350 करोड़ रुपए की आंकी जा रही है। इसके साथ ही इसकी क्षमता लगभग 75,000 दर्शकों की होगी। इसमें फैसिलिटीज़ क्या क्या होंगी यह भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेन ग्राउंड जिसमें दो प्रैक्टिस के ग्राउंड होंगे जिसमें अंग्रेजी मैच भी हो सकते हैं और यह वर्ल्ड क्लास क्रिकेट एकेडमी के साथ साथ क्लब हाउस युक्त होगा। यह स्टेडियम मुख्यतः दो चरणों में बनेगा और इसका पूरा नाम क्या बताया था आपको RCA, जिसका पूरा नाम है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल करके 15 अगस्त को लॉन्च करने की समय सीमा किसने तय की है, जिससे मेडिकल जगत में एक विवाद खड़ा हो गया है। तो पहला ऑप्शन है AICTE, सेकंड ICMR, थर्ड ऑप्शन IMA, फोर्थ ऑप्शन है ICAR। तो आपको बताना कि कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल करके 15 अगस्त को लॉन्च करने की समय सीमा किसके द्वारा हाल ही में दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ICMR। जैसा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने को लेकर दुनिया भर में कवायदें चल रही हैं जिसमें भारत भी अपना जोर अजमा रहा है। कई देशों ने जल्दी सफलता पाने को लेकर होड़ भी लगी हुई है। वहीं भारत में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कंपनी भारत बायोटेक को ह्यूमन ट्रायल की परमिशन तो दे दी है जो कि जुलाई में होना है। इसी बीच ICMR के डायरेक्टर जनरल अर्थात DG बलराम भार्गव ने भारत बायोटेक और कई मेडिकल कॉलेजों को फास्ट ट्रैक मेथड से ह्यूमन ट्रायल करने को कहा ताकि 15 अगस्त तक वैक्सीन को लॉन्च किया जा सके। इससे भारत सहित दुनिया के मेडिकल जगत में चर्चा शुरू हो गई कि भारत में ये आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि दुनिया के एक्सपर्ट का कहना है कि ह्यूमन ट्रायल में 12 से 18 महीने लगते हैं और इसी वजह से वैक्सीन बनाने में देरी भी लग रही है। अब वैक्सीन ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट मनुष्य के ऊपर ट्रायल हो जाए, तो सबसे पहले वैक्सीन को चूहों के ऊपर प्रयोग किया जाता है, इसके बाद ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल होता है जो कि 4 फेज में होता है। अब बात करते हैं कि विवाद पर WHO ने क्या कहा है, इस पर WHO की क्या राय है। तो WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि फेज 1 से लेकर 3 तक के ह्यूमन ट्रायल में लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं, वह भी तब जब काफ़ी तेज़ी से ट्रायल हों। अभी तो सिर्फ फेज 1 और फेज 2 के ह्यूमन ट्रायल की परमिशन ही मिली है, तो अब सवाल यह उठते हैं कि क्या भारत तीसरे फेज को फिर स्किप कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत और चीन विवाद के बीच इंडिया की कंपनी है हीरो साइकिल, जिसने कितने करोड़ रुपए के व्यापार डील को रद्द कर दिया है हाल ही में। हीरो साइकिल के द्वारा भारत चीन विवाद को लेकर जो अपने व्यापार वाले डील थी उसको कैंसिल कर दिया है। तो यह कितने करोड़ की थी आपको यह बताना है, 900 करोड़, 750 करोड़, 710 करोड़ या 500 करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 900 करोड़। जैसा कि चीन के हरकतों को देखते हुए देश की कई कंपनियाँ हाल ही में कई राज्यों ने भी सड़क बनाने के कॉन्ट्रैक्ट से लेकर कई कंपनियों ने अपने चीन से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं। हीरो साइकिल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज मुंजाल हैं, इन्होंने कहा है कि 900 करोड़ रुपए की बड़ी डील को हम रद्द कर रहे हैं। भारत चीन विवाद के बीच जब से 20 जवान शहीद हुए हैं तब से चीन का हर मोर्चे पर जोर तोड़ से विरोध हो रहा है और यह डील आने वाले 3 महीने में पूरी होने वाली भी थी, लेकिन सही समय पर यह कैंसिल हो गई है। दरअसल हीरो साइकिल अपनी महंगी साइकिल के पार्ट को इम्पोर्ट करती है, कहाँ से, चीन से। यह प्रोफेशनल साइकिलिस्ट के लिए होता है। इसकी कीमत लगभग 15,000 से 7 से 8 लाख रुपए तक आंकी गई है। हीरो साइकिल के चेयरमैन पंकज मुंजाल का कहना है कि अब वह इन पार्ट्स के लिए चीन की बजाय जर्मनी में प्लांट लगाने की सोच रहे हैं और उनका कहना है कि महंगी साइकिल की डिमांड हाल के दिनों में काफ़ी बढ़ गई है। हालांकि सस्ती साइकिल की डिमांड कम हुई है और छोटी कंपनियों को इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ है। वहीं लुधियाना में साइकिल वैली डेवलप की जा रही है, इसके तैयार होते ही इंडियन कंपनी हाईटेक साइकिल के मामले में चीन से टक्कर लेगी। और कुछ दिन पहले ही इंडिया ने चीन के 59 ऐप्स पर रोक भी लगाई थी। वहीं आपको साथ में बता दें कि कुछ समय पहले लुधियाना में स्थित एटलस साइकिल की फैक्ट्री भी बंद हो गई है। अब हीरो साइकिल की स्थापना कब हुई थी, तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए जानना जरूरी है। हीरो की स्थापना 1956 में की गई थी। फाउंडर ब्रजमोहन लाल मुंजल हैं एवं इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लुधियाना पंजाब में इसका मुख्यालय है।
नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसरो के मंगलयान ने 1 जुलाई 2020 को मंगल ग्रह अर्थात मार्स के सबसे बड़े चंद्रमा की तस्वीर ली है, तो इस चांद का क्या नाम रखा गया है? आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन है फोबोस, डेमोस, होमोस या रेजोस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, फोबोस। जैसा कि मंगलयान ने 1 जुलाई को फोटो भेजी हैं और तस्वीर लेते समय मंगलयान मंगल ग्रह से 7500 किलोमीटर और फोबोस से 4200 किलोमीटर दूर देखा गया था। मंगल के जैसा कि आपको पता होंगे दो चांद हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरा होता है डीबोस। कौन कौन सा होता है? फोबोस एंड डेमोस। मंगल ग्रह की पृथ्वी से दूरी लगभग 12 करोड़ किलोमीटर है। इसरो के मुताबिक फोबोस के इस फोटो में बड़े क्रेटर अर्थात गड्ढे को भी देखा जा सकता है, साथ ही इसमें सबसे बड़ा क्रेटर स्किटनी भी मौजूद है। इसके अलावा 3 और क्रेटर स्लोवास्की, रोश और गिल्ड्रिग हैं। ये क्रेटर अर्थात गड्ढे आकाशीय पिंडों के टकराने से बने हैं। साथ ही आपको अब मंगलयान के बारे में भी जानना जरूरी है। तो इसरो ने मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशन के तहत आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV रॉकेट से लॉन्च किया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया था। वैज्ञानिकों ने इस पहली कोशिश में ही 24 सितंबर 2014 को मंगलयान को मंगल की कक्षा में स्थापित कर दिया था। मिशन में कुल 450 करोड़ रुपये की लागत आई थी। इसे मंगल की सतह और वातावरण का अध्ययन करने के लिए ही भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन याद रखना है कि NHAI के अध्यक्ष कौन है? सुखबीर सिंह संधू, और इनका कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया है? फर्स्ट ऑप्शन है 1 साल 8 महीने, 2 महीने या 6 महीने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 महीने। जैसा कि NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कैबिनेट की नियुक्ति समिति अर्थात ACC द्वारा बढ़ाया गया है, जो कि 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। यह 21 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 21 जनवरी 2021 तक के लिए कर दिया है। यह उत्तराखंड बैच के 1988 के IAS अफसर हैं। अहम NHAI के बारे में जानते हैं तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना है 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके चेयरपर्सन कौन हैं? जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं उनका नाम है संजीव राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धम्म चक्र दिवस 2020 किस दिन मनाया गया है? आपको बताना है कि धम्म चक्र दिवस कब मनाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 2 जुलाई, सेकंड है 3 जुलाई, 4 जुलाई और 5 जुलाई। तो इन चारों में से धम्म चक्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 जुलाई। जैसा कि यह दिवस प्रत्येक वर्ष जुलाई माह की पहली पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ अर्थात IBC के साथ संस्कृति मंत्रालय ने इस दिवस के लिए समारोह का आयोजन किया था। बुद्ध पूर्णिमा या वैसाख के बाद यह दिवस बौद्ध धर्म के दूसरे सबसे पवित्र दिन के रूप में जाना जाता है। हम यह बात करें कि यह क्यों मनाया जाता है, तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने 5 शिष्यों को सबसे पहला उपदेश दिया गया था और इसी की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। भगवान बुद्ध के द्वारा सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के सारनाथ में आषाढ़ माह की पूर्णिमा अर्थात इसी दिन यहाँ पर दिया गया था। और इस बार समारोह का आयोजन कोरोना महामारी के कारण वर्चुअली किया गया था और भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन से इस उत्सव का उद्घाटन भी किया है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको सभी को ध्यान से पढ़ते हुए सुनते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 कब मनाया गया था? 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई या 2 जुलाई? तो जैसा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 4 जुलाई। प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। 2020 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसको मनाया गया है। और UN ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 मनाने के लिए कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन मुहिम चलाई थी। आपको यह भी ध्यान रखना होगी। और सहकारिता दुनिया भर में 280 मिलियन लोगों को रोजगार भी प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना की दवा विकसित करने को ड्रग डिस्कवरी हेकाथन 2020 प्रोजेक्ट किस मंत्रालय ने हाल ही में प्रारंभ किया है? पहला ऑप्शन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व स्वास्थ्य मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व मानव संसाधन विकास मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और फोर्थ ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कोरोना की दवा विकसित करने को ड्रग डिस्कवरी हेकाथन 2020 प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इज द करेक्ट आंसर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? हर्षवर्धन सिंह। तो
तो जैसा कि हर्षवर्धन सिंह और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कोरोना की दवा विकसित करने के लिए 2 जुलाई को यह अभियान प्रारंभ किया था। ड्रग डिस्कवरी हैकथन और CSIR अर्थात काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की ज्वाइंट इनिशिएटिव के तौर पर यह प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसलैंड के राष्ट्रपति जो नए बनाए गए हैं और दूसरी बार चुने गए हैं, इनका नाम कौन सा है? आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन है बोरिस जॉनसन, सेकंड है माइक पोम्पियो, थर्ड है गुडनी जोहानसन और फोर्थ ऑप्शन है एल्बर्ट सिंटोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, गुडनी जोहानसन इसका सही आंसर है। गुडनी जॉनसन को आइसलैंड का दूसरी बार राष्ट्रपति चुना गया है। उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो आपको याद रखना है 4 साल का। आइसलैंड की राजधानी कौन सी है? तो आपको यह भी याद रखना है कि रेकजाविक यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा आइसलैंडिक क्रोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेयर एंड लवली से फेयर शब्द हटाने के बाद अब किस दूसरी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट से वाइटनिंग शब्द को हटाने का फैसला लिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है लॉरियल, सेकंड लैक्मे, थर्ड कलर बार और फोर्थ ऑप्शन है हुड्डा। तो आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की बहुत संभावना बनती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉरियल। जैसा कि लॉरियल कंपनी अब इसकी जगह ग्लो शब्द का इस्तेमाल करेगी, ऐसा उसके द्वारा फैसला लिया गया है। सभी स्किन केयर प्रोडक्ट से वाइटनिंग शब्द को भी हटाया जाएगा। पिछले हफ्ते ही हिंदुस्तान यूनिलीवर, कौन सी? हिंदुस्तान यूनिलीवर ने फेयर एंड लवली से फेयर शब्द को हटाने का निर्णय लिया था। वहीं लॉरियल की ओर से जारी बयान में यह कहा गया है कि स्किन कलर बदलने वाले प्रोडक्ट को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं और इसके ऊपर विरोध भी चल रहा है। रंगवेदी विरोधी मुहिम #BlackLivesMatter के तहत इन कंपनियों ने अपने उत्पादों के नाम से फेयर एंड वाइट जैसे कई शब्दों को हटाना शुरू कर दिया है। एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई देशों में फेयर शब्द पर काफ़ी विवाद हुआ था। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लाइड की हत्या के बाद रंगवेद का मामला काफ़ी चर्चा में आया था और इसके बाद से यह अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत इन सभी नामों को हटाने की चर्चाएं चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के सरकारी दफ्तरों में मराठी शब्द का इस्तेमाल न करने पर कर्मचारी व अधिकारियों का इंक्रीमेंट रोकने का हाल ही में आदेश जारी किया गया है। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, सेकेंड है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है कि सरकारी दफ्तरों में मराठी भाषा का इस्तेमाल न करने पर इंक्रीमेंट रोकने का आदेश किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी महाराष्ट्र। जैसा कि महाराष्ट्र राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने 30 जून के सर्कुलर में कहा है कि सभी कर्मचारी कामकाज के लिए केवल मराठी भाषा का ही इस्तेमाल करेंगे और ऐसा नहीं करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों का इंक्रीमेंट भी रोक दिया जाएगा। यह विभाग फिलहाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास में ही है और यह निर्णय उन्हीं के द्वारा लिया गया है। जैसा कि शिवसेना शुरू से ही मराठी भाषा का इस्तेमाल का मुद्दा उठाती रही है और वह इसी भाषा को लेकर हमेशा कहती आई है कि हमें सिर्फ इसी का उपयोग करना है। वहीं सरकारी दफ्तर, मंत्रालय, डिविजनल दफ्तर और निकाय कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्र और अन्य संचार माध्यमों में भी मराठी भाषा का ही इस्तेमाल किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार कर्नाटक के समीपवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मराठी भाषी लोगों के लिए कोल्हापुर में एक मराठी मीडियम कॉलेज भी खोलने जा रही है। यह फैसला महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लिया गया है। तो यह थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो आपके सारे कवर हो गएंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।